अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय कुकिंग चैनल। आज हम अपने चैनल पे बनाने जा रहे हैं चिकन वेजिटेबल सूप। जो इंग्रेडिएंट हमें चाहिए होंगे वो मैं आपको बताती चलूँ। सबसे पहले हमारे पास ये चिकन पड़ा हुआ है, साथ ही ये गाजर है बारीक चॉप की हुई, और शिमला मिर्च है, कॉर्नफ्लोर है, और काली मिर्च है, नमक है, एक अंडा है, और एक अंडा हमें वैसे बॉईल करके वो यूज़ करेंगे। और साथ ही हमारे पास ये सॉसेस पड़ी हुई हैं जिसमें सिरका है, सोया सॉस है और चिली सॉस है। चाइनीज़ सूप बनाने के लिए सबसे पहले हमें स्टॉक की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए हम चलते हैं स्टॉक रेडी करने के लिए। ओके गाइस, अपना चिकन स्टॉक रेडी करते हैं। इसके लिए हमें हाफ लीटर पानी की ज़रूरत है। हाफ लीटर पानी इसमें ऐड करते हैं। पानी ऐड करने के बाद साथ ये चिकन है जो वो इसमें ऐड कर देते हैं। चिकन ऐड करने के बाद इसमें नमक ऐड करेंगे। चिकन हमने इसमें दोनों किस्म का लिया है, ब्रेस्ट भी है और साथ में लेग वाला भी है। टेस्ट इनका दोनों का ही मिलके ही होता है, और जो बोन्स है वो बाद में हम इसे रिमूव कर लेंगे। अभी सिर्फ हमें स्टॉक चाहिए। ओके गाइस, फाइनली हमने अपना चिकन स्टॉक रेडी कर लिया है। चिकन स्टॉक जैसे हमने रेडी किया था उसमें सिर्फ हमने एक नमक डाला था और चिकन डाला था, उसके अलावा हमने उसमें कुछ नहीं डाला था। और इसलिए नहीं डाला था कि अगर हम इसमें कोई और चीज़ ऐड करते तो उसका कलर जो है ना ख़राब हो जाता। अब सब कुछ इसके बाद में ऐड करेंगे जब ये हमारे पास रेडी हो जाएगा। चले हम इसे एक पैन में डालते हैं। चिकन स्टॉक इसमें ऐड करते हैं। चिकन हमने इसमें डाला था वो काफ़ी ज़्यादा था, हमें इसकी ज़रूरत नहीं थी। इसमें से हाफ हमने ले लिया और इसे श्रेड करके रख लिया था। अब यही चिकन हम इसमें ऐड कर देंगे। इसको पकने देंगे, जैसे ये इसको एक जोश आएगा बाकी इंग्रेडिएंट हम इसमें बाद में डालेंगे। करते हैं शिमला मिर्च, ये इसी के पानी में ना पक जाएगी। गाजर भी ऐड कर देंगे। ये काली मिर्च है, थोड़ी सी अभी इसमें डालेंगे। चाइना सॉल्ट है थोड़ा सा, वो सिर्फ टेस्ट के लिए ऐड करते हैं। मिक्स कर लेते हैं। कॉर्नफ्लोर तकरीबन ये 2 से 2.5 टेबल स्पून है जो ऐड करेंगे। पानी डाल के मिक्स करते हैं। ओके गाइस, ये जो कॉर्नफ्लोर मिक्स किया था इसके अंदर ऐड कर देते हैं। कॉर्नफ्लोर ज़्यादा नहीं डालना, उससे इसका टेस्ट डेवलप नहीं होगा। इसका टेस्ट अपनी इसके स्टॉक की वजह से होगा। इसी टाइम पे इसके अंदर हम सिरका ऐड कर देंगे 2 चम्मच। सॉस है वो डालना है, उन जो चिली सॉस है वो ऐड किया है लास्ट पे। ये अंडा जो हमने बीट करके रखा था वो स्लोली इसमें डालते जाएंगे और चम्मच को हिलाते जाएंगे। सारा ऐड कर देंगे। ओके गाइस, ये फाइनल लुक है हमारे सूप की जो हमने अभी रेडी किया है। इसे डिश आउट करके आपको दिखाते हैं। ओके फ्रेंड्स, देख सकते हैं आप, हमने चिकन वेजिटेबल सूप जो बनाया था ये आपके सामने इसकी फाइनल लुक है। उम्मीद है आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। नीचे सेक्शन बॉक्स में मुझे कमेंट्स कीजिएगा आपको कैसी लगी रेसिपी, और इसे फॉलो भी कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो तक मिलते हैं आपको, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा।